बात कौन करता है? मालिक के साथ मालिक भगवान का रूप होता है, आप जैसा राक्षस नहीं होता। ओ अंकल, अंकल ये सब कुछ कर रही थी, समझ गई? ज्यादा बोलेगी थप्पड़ थप्पड़ मारूंगा इसको, आत्मतल का दूर हो जा। फिर झूठ क्या बोल रही है? मैंने गंदी नीयत देखी, उसके बाद जबरदस्ती मेरे साथ किया, उसके बाद मेरे पैसे दे करके कहते थे मुंह बंद करवाते थे, ले तेरे खुशियां मैं पूरी करूंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। ठीक है, एक बार इसको थाने में दो, नहीं तो ये मेरे को मेरा दिन आराम हो जाए। मैं थप्पड़ मारूंगा बुड्ढे, आज बस मुझे इसको आत्मतल का आत्मतल का पैसे में ना सब कुछ हो जाता है। अच्छा क्या हो जाएगा? आप किसी को भी खरीद लोगे? किसी गरीब किसी की गरीबी का फायदा उठाओगे? खरीद लूंगा। हाँ क्या कह रहा, मतलब पैसे में पुलिस को भी खरीद लेगा? खरीद लेगा, बिकते हैं, सब बिकते हैं। अच्छा कोई नहीं, देखो मैंने कैमरा लगा रखा है और इसमें साइड रिकॉर्डिंग करूंगा। नहीं नहीं नहीं, अभी तू खरीदेगा ना तो खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पैसा तेरे सारा भूत उतार दूंगा बहन चोद। चल ना, आई बात समझ में। मैडम देखो, आपने ना जो आपके साथ गंदा काम किया, सारी की सारी चीजें ना आपने पुलिस में बतानी है। हाँ जी, क्या कह रही है आपको बोल? मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे, मैं बताऊँ मैं इसका क्या करूँ? मैं ऑपरेशन करवा लेना। मैं तेरा ठेका ले रहा हूँ आपके घर में, मजबूरी में मैं काम करने आई, काम करती हूँ, गरीब हूँ मैं, बताओ आप ऐसे कर रहे हो? तूने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया ना? मेरी मर्जी नहीं है, इसमें कोई जबरदस्ती की है? आप लोग तो तूने भी लिया बहुत, आप तो मालिक हो ना, तो मालिक है तो क्या है? क्या नौकरों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं क्या? मालिक के साथ सो जाता है? जबरदस्ती तो आपने शुरू करी है। जबरदस्ती की है? तेरे को पैसे पैसे मांगती है, पैसे देता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और क्या करूँ मैं? पैसे देते हो और क्या करता हूँ? लेकिन पैसे मांगते देता हूँ। आपने मेरी मजबूरी गरीबी का फायदा उठाया? कोई गरीबी का फायदा नहीं उठाया, आपने फायदा उठाया है, झूठ बोल रहे हो आप। तूने खूब मजे लिए मेरे साथ। मैंने कोई मजे नहीं लिए आपके साथ। ऐसा बकवास मत कर, पैसे चाहिए और ले ले। लेकिन क्या पैसे ले ले, काम करने कोई भी मेरी जगह कोई और आएगी तो उससे भी काम करवा के आप ऐसे करोगे? हाँ ऐसे ही करूंगा मैं, ऐसे करूंगा, ऐसे थोड़े ना होता है। क्यों नहीं होता है? क्या गलत बोल रहे हो आप? क्या हो गया मैडम, क्या हो गया? हाँ जी भैया, आप कौन है? क्या माया हो गया? हाँ जी, आप कौन? मैंने ही बुलाया इनको, इन्होंने मुझे बुलाया था। क्या होगा बताओ? कि भाई भाई ये ऐसी बात है कि मैं इनके घर में काम करती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और ना इस आदमी ने क्या किया, मैं इनके घर में काम करने आती हूँ और इन्होंने क्या किया कि मेरे साथ जबरदस्ती इन्होंने मेरे साथ गलत संबंध बनाए, ऊपर से मेरे को प्रेग्नेंट कर दिया 2 महीने की। जबरदस्ती प्रेग्नेंट कर दिया? हाँ जी, इन्होंने जबरदस्ती मेरे साथ अपनी मर्जी से सोई है ना मेरे साथ, मेरे को पैसे देने के लालच में और जबरदस्ती मेरा हाथ पैर बांध के पैसे के चक्कर में सोई ना तुम? सोई नहीं, जो आपने सुलाया है मुझे, आपने मुझे आपने लिए, मैंने नहीं लिए। अंकल नहीं, सर हमारी तेरे को है ये बताओ, इतने बुढ़े आदमी ने मेरी मजबूरी मेरी गरीबी का फायदा उठाया है। बोल रही है ना, तुमने मुझे पैसे दिए तो पैसे के लिए आई ना मेरे पास, तो बाद में पैसे देके क्या फायदा हुआ? पैसे लेकर तू इसको प्रेग्नेंट कर देगा क्या? तो अपनी मर्जी से आई है, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, मैं काम करती थी इनके घर में, इनकी गलत नहीं है। अच्छा, सिर्फ गलत नीयत की वजह से ये सारा काम मैंने किया। बकवास मत कर फालतू। अब मैं आपके बुढ़ापे का लिहाज करती हूँ, लेकिन आपको शर्म नहीं आई? उस टाइम तो मेरे पीछे पड़ी हुई। मैं कोई पीछे नहीं पड़ी थी आपके, दिन में भी रात में। क्यों मालिक के साथ कौन करता है? मालिक के साथ मालिक भगवान का रूप होता है, आप जैसा राक्षस नहीं होता। ओ अंकल, अंकल ये सब कुछ कर रही थी, समझ गई? ज्यादा बोलेगी थप्पड़ थप्पड़ मारूंगा इसको, आत्मतल का दूर हो जा। फिर झूठ क्या बोल रही है? झूठ क्या बोल रही है? एक बात सुनो। हाँ सुनो। आप ये कबूल कर रही है ना कि पैसे के चक्कर में मैं तुम्हारे पास आ गई, तो मेरी गलती है? मैं पैसों के चक्कर में नहीं आई, मैं गरीब हूँ, काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, खाना बनाती हूँ। लालच भाई, अपना काम का लालच था इसका। ठीक है, इन्होंने गंदी नीयत देखी, उसके बाद जबरदस्ती मेरे साथ क्या, उसके बाद मेरे पैसे दे करके कहते थे मुंह बंद करवाते थे, ले तेरे खुशियां मैं पूरी करूंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। पैसे तो मैं अब भी दे रहा हूं। एक बार अब भी दे रहा हूं, पैसे की क्या दिक्कत है? माया जी प्लीज, आप ना चुप हो जाओ प्लीज प्लीज चुप हो, पहले तो आप चुप हो जाओ। मुझे इनसे छुटकारा चाहिए। छुटकारा चाहिए तो मैंने बांध के रखा, निकल जा। मैंने निकल जा, लेकिन इसका क्या करूं जो आपने किया? और क्या करवाएगी? क्या क्या करा? अभर्षण करा बताओ। साले मैं जान से मार दूंगा। ऐसे तू कौन होता है? आई बात समझ में? आपस का मतलब है तू? चल नहीं, मतलब इससे तो प्रेग्नेंट करे अपॉर्शन करवा देगा क्या? और क्या करवा? आज मेरे साथ क्या, कल किसी और नौकरानी के साथ करेंगे फिर? क्या करेंगे? बिल्कुल 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 करेगा। बोल अब क्या कह रही है? ऑपरेशन करवाना है क्या? ये बताओ, ऐसे पैसे चाहिए तुझे? ये ना उस दिन रात को मेरे को जब इसने बोला कि मेरी तबीयत खराब है तो रुक जाए यहाँ पे। अच्छा। मैंने कहा मैं कैसे रुक सकती हूँ, मेरे बच्चे घर में, कह रहे मेरी बहुत तबीयत खराब है, इनके घर में कोई था नहीं, और इन्होंने पता नहीं क्या मुझे खिला पिला करके उसमें पूरी रात इन्होंने मेरे साथ मुझे शर्म नहीं आ रही तेरे को? शर्म नहीं आ रही तेरे को? शर्म नहीं है तेरे को? है उसको? है ये क्या बोल रही है? तूने जानबूझ के किया इसके साथ? ठीक है, पहले क्या वर्डिंग बोली थी? क्या बोली थी? कि पैसे के लालच में, तो पैसे ये काम करने के लिए आए थे ना तेरे पास? काम के तो अलग पैसे, काम के अलग बहुत पैसे। इन्होंने मेरा बाद में मुंह बंद कराया पैसे के देकर, पैसे लिए
पूछो ना कितने ले चुके हैं। क्या देते हो आप, 1-2 हजार रूपए देते हो, इससे ज्यादा क्या देते हो? 10-10 हजार। 10-10 हजार नहीं दिए, झूठ बोल रहा है ये। झूठ बोल रहा है ना, कोई नहीं कोई नहीं, अभी मैं इसका सारा इसको थाने में दो, नहीं तो ये मेरे को मेरा जीना आराम हो जाए। क्या कर लेगी मेरा थाने में? ओए मैं थप्पड़ मारूंगा बुड्ढे। आज बस समझ में, इसको हाथ में लगाओ, हाथ में लगाओ। पैसे में ना सब कुछ हो जाता है। अच्छा क्या हो जाएगा? आप किसी को भी खरीद लोगे? किसी गरीब, किसी की गरीबी का फायदा उठाओगे? खरीद लूंगा तेरे को तो फिर भी पैसे दे रहा हूँ उसको। किसी की गरीबी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। मजे तूने लिए भाई, मजे आपने लिए। क्या कह रहा है तू, क्या कह रहा है? मतलब पैसे में पुलिस को भी खरीद लेगा? खरीद लेगा, बिकते हैं सब, बिकते हैं। अच्छा कोई नहीं, देखो मैंने कैमरा लगा रखा है और इसमें साइड रिकॉर्डिंग करूंगा। नहीं नहीं नहीं, अभी तू खरीदेगा ना तो खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों जितने दोस्त सारे देख रहे हैं एक बार शेयर कर दो भाई, दबा करके इस ठग की बुड्ढे की इसी ठग को ना सारी मिटा कर देंगे भाई, क्योंकि ये कल को और किसी गरीब महिला के साथ ऐसा ही काम करेगा, ठीक है? दोस्तों मैं इसको थाने में लेकर जाऊंगा, मैं अपनी टीम को बुलाने लग रहा है, यहाँ पर पूरी टीम इसको एक्सपोज करके इसके घर पर। नहीं कोई नहीं, चलेगा ना अभी तो थाने में, कोई इसको थाने पहुंचा के ही रहूंगी, इसको मैं छोड़ूंगी। क्या नाम है तेरा? रजिंदर है मेरा। रजिंदर कहाँ का रहने वाला है? यहीं का रहता हूँ। मैडम क्या नाम है इसका? यही नाम है। हाँ जी। अच्छा, और आपके जो काम के पैसे में देता है? अभी इसके पास 10 हजार रूपए मेरे रह रहे हैं। कितने रह रहे हैं? 10 हजार रूपए इसने तनखा नहीं दी है। 10-10 हजार तो मैंने तुझे कितनी बार पैसे दे दिए? 10 हजार रूपए मेरे रह रहे हैं। और तू, तेरे को किसने दिया? और कह रहे हैं छोड़ के जाऊंगी ना अगर काम को, तो मेरे घर में फैमिली में सबको बता देंगे। किसने बोला है तेरे को क्या कि तू किसी महिला के साथ ऐसा गलत काम करके और उसका अबॉर्शन करवाएगा? तुझे पता है इसके ऊपर कितना बड़ा एक्शन लेगा पब्लिक पुलिस? कानून भी ये कहता है बालिक लोग कुछ भी कर सकते हैं, कानून भी इंटरफेयर नहीं करता। अच्छा, कानून भी के साथ किया। और अगर अबॉर्शन के साथ अगर ये जाए महिला की, अगर खुदा ना खास्ता करके शरीर में कुछ दिक्कत आ गई, फिर तू क्या कर लेगा? मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करना है? मैं तो पैसे दे रहा हूँ हर चीज के। तू हर चीज के पैसे दे रहा है ना? ये खरीद सकते हैं, सारी दुनिया खरीद सकते हैं। कोई नहीं, इसकी जो करना कर ले। नहीं, मैं पुलिस में तो बोलूंगी मैडम। आपके कितने बच्चे हैं सर, बताना एक बार? दो बच्चे हैं। अगर तेरे बच्चों को पता चलेगा कि तू काम वाले भाई को प्रेग्नेंट कर दिया तो अच्छा लगेगा? तेरे बच्चे बाहर रहते हैं? अच्छा, इंडिया से बाहर रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसका नाम राजेंद्र, कहाँ का रहने वाला है? मोरस नगर का ये रहने वाला भाई। इसने इस महिला को प्रेग्नेंट किया और अब इसको ना ये बोल रहा है कि इसका मतलब अबॉर्शन वगैरह बच्चा गिरा दूंगा इस तरीके का, और भाई इसके साथ गंदी करतूतें कर रखा है। तो मैं ना अभी इसको पूरा एक्सपोज करके इसके थाने में लेकर जाऊंगा, पूरी ये वीडियो दिखाऊंगा। क्या जो करना कर ले। इसको अपनी इज्जत की टेंशन नहीं है, दूसरे की इज्जत भी खा के बैठ गया है। पैसा बोलता है। हाँ। कोई नहीं, मैं पैसा तेरे सारा भूत उतार दूंगा बहन चोद। मैडम देखो, आपने ना जो आपके साथ गंदा काम किया सारी की सारी चीजें ना आपने पुलिस में बतानी है, ठीक है? क्योंकि पुलिस तभी साथ देगी जब आप उनका साथ दोगे, उनको असली सारी चीजें बताओगे, ठीक है? तेरी ट्रक में निकालता हूँ, चल 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 चल। इसको पुलिस में दे दीजिए भैया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। नहीं नहीं, अभी मैं बुला ही रहा हूँ इसको, चले वहाँ।